शब्द शब्द अगर लड़ पड़े तो अर्थ व्यर्थ हुआ, पानी पानी अगर लड़ पड़े तो मौसम व्यर्थ हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, धर्म धर्म अगर लड़ पड़े तो ईश्वर व्यर्थ हुआ। नमस्कार, आदाब, हेलो, मैं यश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान शैलेंद्र व्यास जी, जिन्हें हम सभी लोग स्वामी मुस्कुराके के नाम से जानते हैं। सर वेलकम। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, और वक्त तो बीत रहा है उम्र की ऐसी की तैसी। सर, शैलेंद्र व्यास से स्वामी मुस्कुराके का सफर कैसे और क्यों? वर्ल्ड में कई स्वामी आए जिन्होंने अपने अपने किरदारों को निभाया, लेकिन मुस्कुराके कोई नहीं आया। महाकाल की नगरी उज्जैनी में एकमात्र स्वामी मुस्कुरा के। इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप, यू वीप अलोन। यदि आप मुस्कुराएंगे ना तो आपको देखकर दूसरा मुस्कुराएगा। इस प्रकार ये जो मुस्कुराहट है ये सात समुंदर पार जाएगी। यदि आप रोएंगे ना तो जिंदगी भर रोते रहेंगे। स्वामी होता है जो अपने पे कंट्रोल कर सके, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सके। तो मैं मेरी मुस्कुराहट पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं स्वामी मुस्कुरा के हूँ। और मुस्कुराहट जब पहली बार मैं पैदा हुआ था तब मेरी माँ मुस्कुराई थी, वहीं से मुझे संक्रामक रोग लगा और मुस्कुराने का अभियान प्रारंभ किया। और 100% डिस्काउंट पे ये मुस्कुराहट दे रहा हूँ। आपको पता है जितने स्वामी प्रवचनकार, बड़े बड़े महामंडलेश्वर और जितनी विभूतियाँ हैं, ये अपनी बात को कहने के, प्रवचन देने के अर्थ लेते हैं, पर मैं तो 100% डिस्काउंट पर मुस्कुराहट बांटता हूँ। मुझे लगता है कि ये स्माइल ए वाइल, स्माइल ए वाइल, इफ़ यू स्माइल अदर वन स्माइल। स्माइल एक धन है और हर कोई मुस्कुराना चाहता है, तो क्यों ना हम इस मुस्कुराहट को बांटें। और इसी मुहिम को लेकर शैलेंद्र व्यास से शने शने बढ़ते हुए स्वामी मुस्कुरा के हो गए। वाह, बहुत ही नेक विचार, बहुत ही अलग सा, मस्त कलंगदार सा विचार है। और आपको मैं क्या, नगर के बहुत से युवा बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं आपके इसी अंदाज को मुस्कुराते हुए। हर चल समारोह में, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, कोई सा भी समारोह हो उसमें आप बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सर, शासकीय नौकरी, खेल, क्रीड़ा, बॉडी बिल्डिंग में निर्णायक की भूमिका, संचालन, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, सर इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा, क्या कारण, क्या राज है? व्यायाम व्यायाम है, आनंद का नाम है। व्यायाम व्यायाम है, आनंद का नाम है, और मस्ती है तन की, मन का आराम है। स्वस्थ वही रह सकता है जो नित्य व्यायाम करता है। सूर्य उदय के पूर्व यदि आप उठते हैं तो आपकी चेतना का अलाव लगातार जलता रहता है। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक की ड्यूटी है कि वो केवल समाज में या स्कूल में 4-5 घंटे ड्यूटी करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। शिक्षक वो होता है जो सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, स्पोर्ट्स इत्यादि जितने क्षेत्र हैं उनकी प्रतिभाओं को तराशे और तराश कर उन्हें समाज उपयोगी बनाए। तो प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक अनवरत जो कार्य है वही मुझे ऊर्जा देता है। कहा जाता है ना, इफ़ आवर एम इज़ बेटर वी विल गेन बेटर। यदि हमको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य प्रतिभा निर्माण का स्पोर्ट्स में, उसके लिए पहले आपको खुद को मांझना होता है। आपकी को यदि किसी प्रतिभा को बनाना है तो आपकी पकड़ उस क्षेत्र में होना चाहिए। मेरे पास जितने भी कार्य हैं वो सब भारतीय संस्कृति के से डूबे हुए हैं। उस भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्य करने में मुझे आनंद आता है और लगता है कि जीवन परिपूर्णता की ओर है। इसलिए
शैक्षणिक समय भी है, व्यायाम का समय खुद के लिए है, 7 किलोमीटर डेली वॉक करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, जिम करते हैं। उसके बाद मैंने सबसे अच्छा कार्य जो स्वस्थ रहने का जो है, मैं प्रातः 7:30 से 8:30 तक बर्थडे विश करता हूँ, और मेरे पास बर्थडे विश का लगभग 52,000 से भी ज़्यादा का संग्रह है। 365 दिन में कोई भी पन्ना मेरा पास खाली नहीं है जिसमें जन्मदिन की मुबारकबाद ना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जन्मदिन की बधाई देते हैं, क्योंकि दूसरे दिन फिर देना है, इसलिए खुद का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और जो स्वस्थ रहेगा वही मस्त रहेगा, अलमस्त रहेगा। और जो व्यायाम के लिए समय देते हैं उन्हें अस्पताल के लिए कभी समय नहीं देना होता। सर कुछ सवाल मुझे बहुत पसंद है, कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जो शायद बहुत सरल है लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत गहरे हैं। जैसे लोगों की बकेट लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट होती है, ऐसे मेरी भी शायद मेरा मानना है कि मेरी भी बकेट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत सरल है लेकिन मुझे लगता है मेरा मानना है कि बहुत गहरे हैं। मुझे बात करना वाकई में लोगों से बहुत पसंद है, और किसी अनजान से सफ़र में, किसी बुज़ुर्ग से, किसी अनजान आदमी से बातें करते वक्त मैं ऐसे सवाल उनसे पूछता हूँ तो मुझे लगता है मैं उनसे बिल्कुल जाती तौर पर, बिल्कुल आपसी तौर पर जुड़ पाता हूँ। वो सवाल ऐसे हैं कि आपका ननिहाल कहाँ है, आपको खाने में क्या पसंद है, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, आपका सपना क्या था। बचपन में रहता है ना बच्चों का, ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे आप 70 वर्ष के बुज़ुर्ग से अगर आप पूछेंगे कि आपका ननिहाल कहाँ है, तो जो सवाल उससे शायद सालों से किसी ने ना पूछा, फिर किसी ने कभी पूछा ही नहीं, तो उसकी यादों की कैसे रिवाइंड होगी, सीधे उसके बचपन में जाएगा वो, और थोड़ा सा ये सही लेकिन उसको हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे आएगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा, रोमांच होगा। क्योंकि ननिहाल ऐसा शब्द रहता है जो वाकई में बच्चों के लिए माँ का मायका उनका बड़ा घर हो जाता है, और वो पूरा खाली मैदान, पीछे के खेत हो, झरने हो, नदी हो, सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ अपना है। आपका ननिहाल कहाँ है? जहाँ मिलता है मामा का माल, जहाँ मिलता है मामा का माल वही कहलाता है प्यारा ननिहाल। मेरा ननिहाल रत्नपुरी रतलाम है, उसके पूर्व धार था, पर हमारा ननिहाल परिवार रतलाम में शिफ्ट हो गया, तो वर्तमान में अब रतलाम में है। और ननिहाल तो नानी दादी, वर्तमान में ननिहाल ख़त्म हो गया है, बच्चों के पास समय नहीं है जाने का, क्योंकि जब ननिहाल जाने का समय आता है तब बच्चों को अबेकस क्लास ज्वाइन कराई जाती है, उसको कराटे सिखाया जाता है, बच्चियों को डांस समर कैंप, जो अब बच्चों को टैलेंट के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर, तो अब वो नाना नानी का प्यार, नाना नानी की मस्ती, जब हम लोग पहले जाते थे तो मामा जी हाथ जोड़ के कहते थे अब 2 महीने हो गए जाओ मेरे प्यारे भांजो, अब वो प्यार, वो समय न दादा दादी का, न नाना नानी का, न वो कहानियाँ, न वो बीए, न वो पापड़, न वो कड़ेले की रोटी, न अंगबक चोकचंग, सब खत्म हो गया है। ये वर्तमान की जो ये शैक्षणिक और वर्तमान की जो प्रणाली आई है इसने परिवारों को भी छिन्न भिन्न किया है, क्योंकि पहले मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, तो नाना नानी का घर याद आता था जहाँ अतिरिक्त प्यार मिलता था, अतिरिक्त माल मिलता था, इसलिए वो ननिहाल का आनंद था। अब तो सब हो गए हैं बेहाल, ना रहे दादा दादी और ना रहा ननिहाल। सर दूसरा प्रश्न वही फिर से बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा, पसंदीदा भोजन खाने में क्या पसंद है, कि अब जब सोचते हैं कि आज बहुत ऐसा, अगर आप 2 दिन से भूखे हैं तो क्या खाना पसंद करेंगे उस भूख के बाद, बिल्कुल पसंदीदा सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? बेसन पराठे गर्मा गर्म हो, बिल्कुल उतरते हुए हो, क्या बात है, करारे करारे पराठे और साथ में बेसन, आनंद ही आनंद है। और तीसरा प्रश्न, क्या बचपन में सोचा था कि कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चिकित्सा में लोगों की सेवा करेंगे, नेता राजनेता बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, क्या मन में विचार आया था आपको, अगर आपको कोई याद रही हो कि मैंने बचपन में ये सोचा था कि मैं ये बनना चाहूँगा बड़ा होकर ये बनूँगा? असल में बचपन में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, नेता बनूँ,
बचपन में यही सोचा कि मैं जो भी बनूं कुछ अच्छा किरदार निभाऊं, 100% बनूं, 100% बनूं जो भी करूं। मेरी पढ़ने में ज़्यादा रुचि कभी नहीं रही, मेरी अन्य अन्य कार्यों में ज़्यादा रुचि, को करिकुलर एक्टिविटीज़। हाँ, जैसे बचपन में कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जो पुराने समय में तेजा जी का खेल हुआ करता था वो रात रात भर देखने में रुचि, कवि सम्मेलन में रुचि। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा आदमी कलेक्टर बन के या राजनेता बन के भी हुआ जा सकता है, और बड़ा आदमी जो होता है वो फिर बड़ा हो जाता है, ज़मीन से जुड़ जाता है। मेरा जीवन में ये सोचता था कि मैं जब भी जो भी हो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ रहूँ। तो प्रभु ने प्रकृति ने माया भी ऐसी रची कि मैं आज भी भीड़ में ज़मीन से जुड़ी हुई मुस्कुराहट देता हूँ, मुझे सुकून देती है। सर, आपने तेजा जी महाराज के गीत लोकगीत की बात की, अभी हाल ही में डोल 11 से एक दिन पहले तेजा दशमी मेरा जाना हुआ गौ घाट पर, हम उज्जैन में मंदिर है तेजा जी महाराज का। ये बात अच्छी नहीं लगी कि वहाँ पर सिर्फ महिलाएं और मेरी उम्र के 2-3 युवा होंगे, हमारी उम्र के युवा, क्या लगता है आपको क्या कारण है कि इन सब चीज़ों से दूर जान रहे? क्या पता, मुझे लगता भी नहीं है कि शायद बहुत से हमारे युवाओं को पता भी होगा कि भर्तरी के माच क्या होते हैं, संजा महोत्सव अभी चल रहा था, संजा क्या होती है, ईसुरु के फाग क्या होते हैं बुंदेलखंड के, भगोरिया के बारे में शायद, वो भगोरिया तो अभी हाल पिछले कुछ दशकों से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत लोकप्रिय हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे लोक कला है, लोक गीत है, लोक संगीत है, लोक कलाकार है, उनको इतना प्यार प्रेम सम्मान मुझे नहीं लगता आज की जनता और आज का युवा दे पा रहे हैं। आज का युवा वही, आज के युवा के गीत पसंदीदा वो है, आज का युवा वो है आज ब्लूएस पानी पानी वाला, ये लड़की पागल है वाले गीतों वाला। तो फिर कैसे घूमर और कैसे संजा और कैसे सूर्य के फाग और भरतरी के माच हमारे जनमानस पर, युवा पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे और वापस अपनी वो पुराने दिन लौट पाएंगे? आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की ओर मोड़ रही है, आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की ओर मोड़ रही है। उन्होंने तो धनुष तोड़ा था, पर यह भारतीय संस्कृति को तोड़ रही है। आज का युवा डिग्री का यज्ञोपवीत धारण करके चौराहे पर खड़ा हुआ है, उसे स्वयं नहीं मालूम है कि कहाँ जाना है। इसमें माच के बजाय वो नाच में विश्वास करते हैं, जैसे आपने गीत बताए फोड़ताओं वाले। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत उज्ज्वल स्वरूप है, हर प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक धरोहर है और भारत उस सारी संस्कृतियों का एक सुंदर गुलदस्ता है, और ये केवल विश्व में एकमात्र भारत में है जहाँ पर पंजाबी संस्कृति है, हरियाणवी संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति है, केरल की है, तो तमिलनाडु है, तो कर्नाटक है। तो आप देखिए ना, इन ये सब जब मिलती है तो भारत बहुत सुंदर स्वरूप में आता है। भारत है ऐसा भूभाग, पथ पथ पर है जहाँ प्रयाग, और कहीं भेजे हो दूत, यहाँ हुए स्वयं प्रादुर्भूत। इस पूरी ईश्वरीय सृष्टि में यदि हम देखें तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के जितने भी त्यौहार बने हैं, तीज बने हैं, उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता है, बिना वैज्ञानिकता के कोई त्यौहार नहीं है। लेकिन हमारी युवा तरुणाई जिसने पाश्चात्य संस्कृति की ओर उन्मुख हो रही है और हमारी परंपरा की जो पगड़ी है उसको उतार दिया है, मुझे बड़ी ऐसा लगता है कि कैसा ये युवा आ गया, सिर पे ऐसे खड़े बाल जैसे गमला उगा लिया हो केक्टस का, बड़े बड़े घराने के, बड़े बड़े करोड़पति के बच्चे फटी जीन्स पहन रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पुरातन समय में कपड़े फट जाते थे तो हमारी माता दादी, नहीं माता दादी उसको दे के बर्तन लेती थी। तो मुझे लगता है इन लोगों ने घर के बर्तन दे के ये फटे कपड़े लिए, ये कैसी संस्कृति आ गई। तो ये जो संस्कृति है इसने हमारे भारत के युवा मस्तिष्क को भी पदभ्रष्ट किया है। तब ये दूर होती जा रही है, परंपराओं से दूर होती है, हर चीज़ में क्या क्यों कब कैसे क्यों करें ये कोई बात होती है, हर बात को वो उपहास के रूप में लेते। लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति की नकल करेंगे तो इसमें तकलीफ आएगी। हमारी भाषा हिंदी है, हर राष्ट्र का एक मीत होता है,
हर राष्ट्र का एक गीत होता है। यदि हो सके राष्ट्र की एक भाषा तो राष्ट्र स्वराष्ट्र का प्रतीक होता है। दिक्कत वहाँ आती है जब हिंदी फिल्मों में कार्य करने वाले हीरो हीरोइन जो हिंदी के बल पे अरोड़ों करोड़ों अरबों कमाते हैं और जब वो इंटरव्यू देते हैं तो अंग्रेजी में देते हैं। मुझे अंग्रेजी का विरोध नहीं है लेकिन भारत की पहचान हिंदी है। आज चाइना प्रगति कर रहा है तो उसकी भाषा वहाँ चलती है, जर्मनी में जर्मनी की चलती है, ब्रिटिश में ब्रिटिश अंग्रेजी चलती है, तो फिर भारत में ये परंपरा क्यों प्रारंभ नहीं होती है कि हम हमारी हिंदी को अपनाएं। हिंदी तेरे दर्द की यहाँ किसे परवाह। हिंदी का जो शब्दकोश है वो लगभग जहाँ तक मुझे याद है 3.5 लाख से भी अधिक शब्द हैं उसमें, जबकि किसी भाषा में इतने नहीं हैं। हिंदी तेरे दर्द की यहाँ किसे परवाह, और एक अंग्रेजी साल में एक हिंदी सप्ताह, पूरे 365 दिन का जो अंग्रेजी साल है उसमें सिर्फ 7 दिन का हिंदी सप्ताह होता है, यानी हम हिंदी का श्राद्ध करते हैं, हिंदी पखवाड़ा करते हैं, हिंदी पखवाड़ा करते हैं। हिंदी पखवाड़ा के नाम से मतलब जैसे कि हम पुराने गए गुजरे लोगों को याद करते थे कि आप चले गए, वो आप देखिए अब वो चले गए हैं, उनको ऐसे याद किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी पखवाड़ा हिंदी दिवस बनाने की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। हिंदी है लोगों के दिलों में, हिंदी। और आज मैं और आप किस में बातें करें, हिंदी में बात करें। आपने सर संस्कृति की बात की और जैसा कि आपने लोग आप बता रहे थे कि हर बात में सवाल, आज का युवा रैशनलिज्म फैक्ट पर जा रहा है, फिगर्स पर जा रहा है, तर्कसंगत बनना चाहता है। क्यों क्यों तिलक लगाया जाता है, क्यों दही शक्कर खिलाया जाता है, क्यों ताली बजाई जाती है। अब उन्हें अगर सोचेंगे समझेंगे, तिलक लगा चंदन का तिलक लगाते हैं तो मगज ठंडा रहता है, दही और शक्कर मिला के खाते तो शक्कर से ग्लूकोज मिलता है, घर जाने से पहले घर से निकलने से पहले आप दही शक्कर खाएंगे तो आपको एनर्जी बनी रहेगी, ताली बजाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। तो आपके हर चीज़ को स्वास्थ्य को लेकर और हर चीज़ को विज्ञान को लेकर मुझे भी लगता है सब चीज़ें बनाई गई है परंपरा के तौर पर। और जैसा आपने बात करी, हर जगह पंजाब का भांगड़ा है, गुजरात का गरबा है, राजस्थान का घूमर है, असम का बिहू है, हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति है और अपना अपना। और मुझे लगता है शायद हिंदी भाषी जो गोबर पट्टी है अपनी, काउ बेल्ट है, यहाँ से अगर हम चलें मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यही क्षेत्र अपनी भाषा अपनी संस्कृति को लेकर सबसे ज़्यादा आलस में है, सबसे ज़्यादा ढीला है। आप अगर केरला में जाए तो वो मलयालम भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है। आप तमिल में जाए तो तमिलनाडु में तमिल भाषा को लेकर, और महाराष्ट्र में जाए तो वो मराठी को लेकर उनमें कितना सम्मान है। और हम ही लोग अंग्रेज़ी को इतना मानते हो, इतना सम्मान देते हैं, जबकि आपने सही कहा अंग्रेज़ी को सम्मान देना गलत नहीं है, हमारे लोगों को सम्मान देना भी तो चाहिए। आज शेक्सपियर बहुत महान थे, है माना मैंने, कामू, काफका, बड़े बड़े साहित्यकार बहुत महान थे, लेकिन मेरे लिए कालिदास से ज़्यादा महान थोड़ी ना थे। और कालिदास भी संस्कृत में थे, मैंने संस्कृत इतनी नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत समझिए, तो मेरे लिए कालिदास भी निराला, त्रिपाठी, दिनकर से ज़्यादा महान थोड़ी ना है, क्योंकि जो मैंने हिंदी पढ़ी, जो समझी, मैं उसी को समझ पाऊँगा अच्छे से साहित्य को। तो यही बात मैं आपकी वही कहना चाहता हूँ सर। अब आपके पर आपकी बातों पर लौटें सर, आप चर्चित है शहर में, नगर में, अच्छी पहचान है, शब्दों पर अच्छी पकड़ है, अच्छे वक्ता है, लोगों को शहर में आए दिन दिख जाते हैं, ईजीली अवेलेबल है और अच्छे जानकार है विषय के भी, शिक्षित है, तो बस राजनीति में और क्या चाहिए रहता है। तो कभी विचार नहीं आया कि इस और मुड़ ले? नहीं सीखी हमने दास्तां आंसू बहाने की, नहीं सीखी हमने दास्तां आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की, और तकदीर का हर तीर भेका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की। देखिए राजनीति एक अलग क्षेत्र है, यदि कोई व्यक्ति अपनी लोकप्रियता के मापदंड को राजनीति से जोड़ता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। वर्तमान राजनीति का जो दौर है वो बाहुबली राजनीति हो गई, पैसों की राजनीति हो गई, वो गुंडागर्दी की राजनीति हो गई, और मैंने मेरे जीवन में कभी मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा तो मेरी कभी राजनीति की ओर जाने की रुचि नहीं होती, ना मुझे पावर चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे तो मेरा देश संस्कृति जैसा चाहिए, क्या ज़रूरत है ना। हम राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, हम हमारा काम करें, हमारी संस्कृति, हमारा स्पोर्ट्स, हमारा युवा,
इन सबको भी तो संभालने का किसी न किसी का कार्य है। मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, लोकप्रियता का मापदंड अपना अलग हो सकता है, लेकिन उसको ओढ़कर राजनीति में मैं जाऊँगा तो मुझे लगता है कि आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले मेरे सात खानदान की स्टोरियाँ जो मुझे नहीं मालूम है वो उगाड़ कर सामने रख देंगे। और वैसे भी राजनीति कभी स्थायी नहीं होती है। राजनीति करने वाले बहुत सारे व्यक्तित्व तो बहुत दिनों तक नहीं चल पाते हैं। जो चलते हैं उन्हें बहुत सर्वाइव करना होता है, वो जो समय लगाते हैं, क्योंकि देखिए पहले के दौर में नेता शब्द जो था वो आदर से लिया जाता था। पहले नेता चलते थे, लाल बहादुर शास्त्री चलते थे, जवाहरलाल नेहरू चलते थे, गांधी जी चलते थे, देश उनके साथ चलता था। आजकल नेता चलते हैं तो उनके साथ में चमचे चलते हैं, गाड़ियां चलती है, मीडिया चलता है। जय महाकाल। सर, अवंतिकानाथ बाबा महाकाल की सवारी में आप सालों से जाते रहे हैं। उस सवारी में, उस काफिले में आपको नाश्ता गाता आनंद लेता देख लोग भी बहुत पसंद करते हैं और बहुत आनंद लेते हैं आपको देखते हुए और आपकी पूरी मंडली को देखते हुए। सर, इतने सालों में सवारी में क्या बदला है? और उस सवारी, महाकाल की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, और सवारी के पीछे इतने लोगों का, भक्तों का इतना आनंद, इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा और इतना जुनून का क्या कारण है? और क्या समझते हैं आपके इतने लंबे अनुभव से, क्या देखते हैं लोगों में, किस तरीके का आनंद रहता है, रोमांच रहता है बाबा महाकाल की सवारी को देखते हैं? देखिए, शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। महाकाल की नगरी उज्जैनी, भूत भवन बाबा भोलेनाथ की नगरी, कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली, छिपरा के जल के तरंगों से तरंगायित गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित सिंहस्थ की नगरी, महाकुंभ की नगरी, इतिहास की दादी, पुराणों की नानी और संस्कृति की परदादी है। इस भूमि पर जन्म लेना ही बड़ी बात है, क्योंकि महाकाल जो है वो बहुत मस्ती के देवता है, आनंद के देवता है, और इतने सस्ते देवता हैं कि एक लोटे जल और तीन बिलपत्र में ही खुश हो जाते हैं। उनको न 56 भोग चाहिए, वो तो मस्ती में रमते हैं। और शिव का जो रूप है, भोले का प्रतीक है, और भोला आदमी यानी जनमानस का प्रतीक है। आप शिव के स्वरूप को निहारिए तो जो उनके सर पे, मस्तक पर जो गंगा होती है, मेरी नज़र में वाटर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट विश्व में कोई है तो वो बाबा भोलेनाथ के मस्तक पे है, जहाँ से वो गंगा को प्रवाहित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जल को बचाएं, जल है तो कल है। जिसे हास्य की भाषा में कहा जाता है कि बिना पाइप के नल बेकार और बिना वाइफ के नर बेकार, बिना पाइप के नल बेकार, बिना वाइफ के नर बेकार। नल है, पाइप है, टोटी है, और पानी नहीं तो सब कुछ बेकार। इसलिए जल को बचाइए। आप देखिए, शिव का जो स्वरूप है वो सद्भावना के रूप में है। शिव का वाहन नंदी है, और माता जी का जो वाहन है यानी पार्वती का वाहन क्या है? शेर है। दोनों की आपस में पटती नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। वहीं मोर कार्तिकेय का वाहन है, और मूषक जो चूहा है वो गणेश जी का है। तो वो मोर किसका दुश्मन है? चूहे का दुश्मन है। बर्रों की माला पहनते हैं, हार सर्पों का धारण करते हैं, लेकिन वो एक सौहार्द्रता, शिव परिवार यानी सौहार्द्र। हम सब एक साथ एक जगह रहकर सद्भावना के साथ हमारी संस्कृति का विकास करें। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना। तो बाबा भोलेनाथ सद्भावना के प्रतीक है। शंभू चाचा के रूप में सवारी का मुस्लिम संप्रदाय भी बेहतरीन दिल से स्वागत करता है। प्यार और सद्भाव की बहती रहे शीतल बयां, एक तन हो एक जा हो हरदम लगे यही सदा। जय शिव, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, जय राधे किशन, ए वतन प्यारे वतन, तुझको नमन, तुझको नमन। तो ये सद्भावना की सवारी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी ऊर्जा के साथ श्रावण मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की पालकी का दिल से स्वागत करते हैं, और पूरा शहर
ऐसा लगता है मानो मस्ती की सुनामी लहर हर तरफ से आ गई हो। क्या गली, क्या चौबारा, क्या छज्जा, क्या सब दूर। भावनाओं और भक्ति का जो शक्ति का जो हम एक सद्भावना के प्रतीक के रूप में जो दृश्य देखते हैं वो सबको आनंदित करता है। झूमते हुए, झांझ बजाते हुए, सोलो में, बनियान में, खड़ताल हाथ में लिए हुए और भक्तिमय संगीत के साथ बाबा महाकाल की सवारी में जब सब जाते हैं तो मुझे लगता है कि आनंद का अभिषेक होता है। और श्रावण मास में आप देख लीजिएगा, मेरा तो लगभग 33 साल का अनुभव इस सवारी में, जब इतना स्वरूप नहीं हुआ करता था, लेकिन आज जो स्वरूप हुआ है वो पहली सवारी शाही सवारी जैसी होती है। तो ये बाबा की महिमा को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने जो विश्वव्यापी किया है ये उसका भी प्रताप है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी से फायदा होता है तो ही वो उससे जुड़ता है। तो बाबा महाकाल से कहीं ना कहीं किसी को फायदा होता है। तो जो देखिए, आप कहाँ कहाँ से दूर दूर से सवारी में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, कांवड़िए आते हैं, और आप देखिए कि श्रावण भादो मास में अपराध भी कम हो जाते हैं। ये एक प्रभाव तो है, अपराध की कमी होती है क्योंकि सारे अपराधी बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ये महाकाल की नगरी जो है ये भक्ति, शक्ति और मुक्ति का केंद्र है। तो ये सभी चाहते हैं कि जैसे बाबा का त्रिशूल है, ये श्रम, निष्ठा और संकल्प के त्रिदेव हैं। यदि व्यक्ति में श्रम, निष्ठा और संकल्प के त्रिदेव होते हैं तो वो किसी भी दुर्गम से दुर्गम लक्ष्य का संधान कर सकता है। ये बाबा की महिमाएँ जो होती है वो बहुत निराली है और एक सौहार्द्रता का वातावरण बनता है। लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, खिचड़ी बांटते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। धरती श्रृंगारित होती है श्रावण भादो मास में, प्रकृति का स्वरूप निखरता है, हरियाली मुस्कुराती है। और ये सब जब ठीक रहता है, पानी ठीक गिरता है, तो हमारा 12 मास उत्तम होता है। ये जो मस्ती की लहर होती है जब हम बाबा का जल से अभिषेक करते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी भक्ति के साथ जलाभिषेक होता है उतनी कई गुना ताकत के साथ बाबा महाकाल धराभिषेक करते हैं, यानी धरती को जल के माध्यम से पोषित करते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है और ये आनंद जो बरसता है, इसीलिए हमारे यहाँ चार चार माह के शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इससे मिलकर ही 12 मास बना है। ये आनंद की नगरी है, मस्ती की नगरी है, और महाकाल की नगरी में जो आनंद है वो प्राप्त करना भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे बहुत पसंद आई कि शिव का परिवार, महादेव का परिवार सौहार्द का प्रतीक है, समन्वय का प्रतीक है, हारमोनी का प्रतीक है। और ये बात मुझे भी लगता है, मैं 4 बरस पहले उज्जैन से इंदौर शिक्षा ग्रहण करने गया था, और बहुत बड़ी बात है और बहुत विडम्बना की बात यह है कि चराचर विश्व के स्वामी श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश के मथुरा से उज्जैन उनके बड़े भाई और दोस्तों के साथ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे, महर्षि सांदीपनी जी के यहाँ। और विडम्बना की बातें आई, उज्जैन का युवा आज इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे शिक्षा ग्रहण करने जाता है। सर धन्यवाद, आपकी ऊर्जा को देखकर निश्चित ही मैं और मेरे जैसे युवा बहुत मोटिवेट होंगे। आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता वाकई हमें बहुत मोटिवेट करेगी। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, और शैलेंद्र के एक गीत के माध्यम से मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। धन्यवाद, नमस्कार। शब्द तो शोर है, तमाशा है। शब्द आपके चैनल का नाम है, और शब्द प्यारा होता है तो आपको उपहार मिलते हैं, और शब्द वाणी पर यदि कड़वा होता है तो आपका अपमान होता है। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भावना के सिंधु में बताशा है। आपने शब्द चैनल के माध्यम से जो आज ये प्रयास किया है भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का, तो शब्द का बहुत महत्व है। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, कुदरत ने सबसे सुंदर रचना की है। परमपिता परमेश्वर ने पहाड़ बनाए, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, नदी तालाब समुद्र बनाए, लेकिन सबसे सुंदर किसी को बनाया तो मानव को बनाया, जिसमें सोचने विचारने
निर्णय लेने की ताकत दी। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भावना के सिंधु में बताशा है। मैं जो बात कह रहा था कि कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, इसीलिए तो हड्डी नहीं दी जुबान में। इसलिए प्यारे शब्द बोलेंगे तो सम्मान मिलेगा, गलत शब्द बोलेंगे तो अपमान मिलेगा। तो शब्द तो शोर है, तमाशा है, भावना की सिंधु में बताशा है। यश जी, आपके बारे में, आपके शब्द चैनल के बारे में और अधिक क्या कहें, मौन ही भावना की भाषा है। मुस्कुरा के आप सबका शब्द चैनल के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिली इस्तकबाल, सत श्री अकाल, वणक्कम, खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम है। सदा मुस्कुराते रहिए और अपने यश को अभिवृद्धि प्रदान करते रहिए स्वामी मुस्कुराके के साथ।